दोस्तों आज हम करने वाले नरुटो मतलब बरुटो एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो कहानी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि बरुटो बड़ा हो चुका है और उसके सामने कावाकी नाम का कोई है। वो कहता है कि निंजा एज अब ख़त्म हो गया, शिनो भी ख़त्म हो गया, मैं तुम्हें भी वही भेज दूंगा जहाँ तो तुम्हारे पापा को भेजा था, मतलब 7th होकागे को। तो बरुटो कहता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं अभी एक शिनोबी बाकी हूँ, समझे। तभी उन दोनों की टक्कर होती है और फिर हमें पिछला सीन दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे बरुटो बहुत जोर से जंप मारते मारते आगे बढ़ते रहता है और बिल्डिंग से जंप मारते मारते जाते रहता है। और यहाँ पे नरुटो होकागे बना होता है और उसके साइड में उसका साथ देने के लिए शिकामारू भी होता है और वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं और बरुटो उनका बच्चा होता है और वो एक ट्रेन पर बैठता है, वो भी शिकाड़ाई के साथ जो कि शिकामारू का बेटा होता है। और वो दोनों एक बर्गर खाते हैं पर उनको वो देखकर अच्छा नहीं लगता और वो एक बाइट खा के देखते हैं तो उनको उल्टी जैसा होता है और वो कहता है कि कितना तीखा है। और फिर हम देखते हैं कि बरुटो कहता है कि वाह यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है और वो गलती से फिर से खा लेता है। तो फिर शिकाड़ाई उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तुम्हारी देखभाल करने को कही है मुझे। तो फिर बरुटो कहता है ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेन का मालिक नरुटो को देख लेता है, मतलब बरुटो को, और बरुटो वहाँ से कूद जाता है और बरुटो देखता है कि यहाँ पे कोई एक लड़के को परेशान कर रहा है, उसका नाम डेंकी रहता है। और वो लड़के को परेशान करते हुए बरुटो उसके ऊपर चाय फेंक देता है और वो बरुटो कहता है माफ़ करना गलती से हो गया। और फिर हम देखते हैं कि बरुटो बहुत जोर से नीचे आता है और कहता है अब तुम गए। और फिर शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो लोग कहते हैं अरे ये तो एक शिनोबी है, मतलब एक निंजा है। और बरुटो उसके मुंह में वो तीखा बर्गर डाल देता है और सबको मार भगाता है पर सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो बरुटो अचानक से उस लड़के को लेकर ऊपर आ जाता है जिससे कि वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि बरुटो कहता है कि वह बच गए। फिर बरुटो कहता है तुम अभी ठीक से खेलना, समझे, मतलब ठीक से रहना। और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बरुटो कहता है कि मैं एक सादा सीधा लड़का हूँ, तुम भी एक अच्छे निंजा बनोगे, समझे। फिर वो बरुटो चला जाता है और फिर ये भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बरुटो नीचे आ जाता है घर पे अपने और उसकी मॉम उसको देखकर हैरान होती है और वो कहता है कि माफ़ करना मैं लेट हो गया, शिकाड़ाई अच्छा लड़का है, वो मुझे अच्छा संभाल रहा है। फिर उसकी बहन हिमावारी भी आ जाती है, ये उनका घर होता है और यहाँ पे बहुत अच्छी डिश बनी होती है खाने को। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों खाने को बैठते हैं और उसकी मम्मी उसे कहती है कि कल तुम्हारी एकेडमी में जाने की तैयारी कर ली क्या तुमने बरुटो। फिर बरुटो कहता है कि मेरे डैड अपने डैड यहाँ पे घर पे क्यों नहीं आते, वो सिर्फ वहाँ पे लोगों से लड़ते रहते हैं। फिर उसकी मम्मी कहती है अगर लड़ना ही उनका काम नहीं होता बरुटो, लड़ने के सिवाय उनको होकागे को बहुत काम होते हैं तुम्हें पता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लड़के को बरुटो ने बचाया था वो लड़का यहाँ पे होता है जो कि किमी नामिरोन कंपनी का हायर किया हुआ होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ताकतवर बना के दिखाऊंगा डैड। और उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम ताकतवर बनो, तुम ऐसे कमज़ोर मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर अचानक उसके अंदर कुछ घुस जाता है और ब्लू कलर का कुछ आ जाता है और वो कहता है मैं अभी ताकतवर बन के ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे सुबह होते ही बरुटो भागते रहता है और कहता है कि मैं अकेडमी में जाने के लिए बहुत लेट हो गया। और फिर वो बहुत तेज़ी से भागता है और उसे दिखता है कि ये उसका दोस्त डेंकी नीचे जा रहा है। बरुटो उसे देखता है पर अचानक से उसकी एक आँख अलग हो जाती है जो कि जोगन होती है और उससे दिखता है उसकी असली रूप। फिर बरुटो कहता है ये क्या था, ऐसा क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो कल के बदमाश लड़के वापस से ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पे कोई नहीं रहता और सिर्फ डेंकी रहता है। वो कहता है कि मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगा और वो छत फाड़ देता है ट्रेन की और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि ये ट्रेन अभी चलने वाली है जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हो। तो ये कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो टेंकी, ये क्या कर रहे हो। तो बोलते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब देखो। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बरुटो आ जाता है जिससे कि डेंकी शांत हो जाता है और फिर बरुटो कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सबको मारना चाहते हो। और वो नीचे देखता है तो ट्रेन बहुत फुल स्पीड से चलती रहती है और बरुटो कहता है कि अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये कहता है कि मुझे मेरे पापा को दिखाना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो बरुटो कहता है कि ऐसा क्या कर रहे हो,
कुछ ऐसे करता है कोई। फिर हम देखते हैं कि आगे से भी एक ट्रेन आती रहती है, तो बरूटो कहता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर बरूटो कहता है सब मुझ पे छोड़ दो अभी। तो फिर बरूटो ऊपर जाता है और शाडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो शाडो क्लोन जुत्सु तो बना ही लेता है पर उसका पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिरने लगता है। पर डेंकी उसको देखकर डेंकी का वो शक्ति ब्लू कलर की चली जाती है और वो नरूटो के पैर मतलब बरूटो के पैर पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो उससे कहता है कि अच्छा काम किया डेंकी। और फिर अचानक से डेंकी कहता है कि मेरे हाथ छूट रहे हैं और डेंकी भी गिरने लगता है, पर अंदर के वो बदमाश लड़के नरूटो और डेंकी को पकड़ लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और कहते हैं हम बच गए। फिर अचानक से ट्रेन का डब्बा टूट जाता है उनके पीछे का और फिर डेंकी कहता है तुम चले जाओ दूसरे ट्रेन में। तो नरूटो कहता है ठीक है हम तुम चले जाओ हम देख लेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि उन बदमाश लड़कों को नरूटो और डेंकी रुकने वाली ट्रेन में भेज देते हैं, पर वो उस ट्रेन के इंजन में रह जाते हैं जो कि आगे जाकर नरूटो के स्टैचू पर लग जाता है बहुत ज़ोर से। और ये देखकर बुरुटो कहता है मैं यहाँ पे आ गया बुरुटो उज़ुमाकी। तो नरूटो ये देखकर हैरान होता है और कहता है बुरुटो ये तुमने क्या किया। फिर बहुत लोग कहते हैं ये कितना अच्छा था। और फिर सिकाड़ा यहाँ पे खड़ा होता है और पीछे से कोनोहमारू आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर बुरुटो कहता है अरे बड़े भाई तुम आ गए। तो कोनोहमारू उससे कहता है कि ए तुम मुझे बड़े भाई मत कहो मुझे सेंसेई कहो। और ये क्या तुमने तुम्हारे साथ ये कौन लाया है लड़का। और फिर और ये ट्रेन भी वहाँ से निकाल ली जाती है और पर जो नरूटो का स्टैचू होता है उसको बहुत नुकसान होता है जिससे कि नरूटो नाराज होता है। पर सिकाड़ा ही आता है और कहता है कि एक कंपनी है जिन्होंने वादा किया है कि वो इस स्टैचू को वापस से ठीक कर देंगे। फिर गाइस अगला ही सीन आता है जो अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे बरूटो डेंकी के साथ होता है पर कुछ लोग उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वो आखिर कौन होते हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप ज़रा सा वेट कीजिए और हम देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या बरूटो ऐसी चेतनिया हर बार करते रहेगा या फिर अच्छा बनेगा भी उसके पापा की तरह। तो चलो मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में।